मार्च 2021 में हमने हिमाचल प्रदेश का 20 दिन का टूर किया, जिसमें हमने कवर किए शिमला, कुल्लू, कसोल, मणिकरण, कलगा, मनाली, बिरबिलिंग में पैराग्लाइडिंग, मैक्लियोडगंज, धर्मशाला, डलहौजी और खजियार। इस 20 दिन के ट्रिप का हम दो जनों का खर्चा आया 52,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो अगर सिर्फ हिमाचल का खर्चा काउंट करें तो मुंबई टू चंडीगढ़ दो जनों का ट्रेन फेयर जो था 3,600 रुपीज़, और दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट टिकट का 7,000 एक्सक्लूड करने के बाद 20 दिन का टोटल खर्चा हुआ 41,400 रुपीज़। इसमें मनाली में 800 रुपीज़ बाइक रेंटल, बिर में 4,000 में दो जनों की पैराग्लाइडिंग जैसे एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। अकोमोडेशन या होटल्स का हमारा टोटल खर्चा हुआ 12,660। शिमला, कसोल, डलहौजी और कुल्लू में अच्छी होटल में रूम मिनिमम 1,000 रुपीज़ पर नाइट है, और वहीं मनाली मैक्लोडगंज में अच्छी होटल 600-700 रुपये पर नाइट में मिल जाती है। कसोल कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा लगा, लाइक यहाँ पे स्टे है मिनिमम, अगर नॉर्मल अगर रूम लेते हैं ढंग का तो 1,000-1,200 मिनिमम स्टार्टिंग प्राइसेस है, और मनाली में सेम टाइप का रूम 650-700 में मिल जाता है। होटल्स के बाद अगला मेजर एक्सपेंस होता है फूड, जिसका हिसाब करने पर टोटल खर्चा आया 15,000 रुपये। इतने खर्चे में होमस्टेज और ढाबे के बजट लंच से लेकर कसोल, मनाली और मैक्लोडगंज के महंगे कैफेज हमने सब ट्राई किए। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे 21,500 रुपये लगे, अगेन विच इंक्लूड्स ट्रेन टिकट फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़ एंड फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द 800 रुपीज़ बाइक रेंटल इन मनाली एंड मनाली टू बिर टैक्सी फेयर। बसेज एंड प्राइवेट टैक्सीज आर दी ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश अनलेस यू आर रेंटिंग अ सेल्फ ड्राइवन कार और मोटरबाइक। इस सीरीज की वीडियोज में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सीज दोनों का एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वो देख सकते हो। इन एक्सपेंसेस के अलावा बाकी डिटेल्स और एक्सपीरियंस के लिए आप दूसरी वीडियोज देखना मत भूलना, जिसमें हमने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना, और आगे की वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।